तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ट्रेन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू संगल दन ट्रेन। तो देखते हैं वीडियो अपना प्यार कर देंगे। गौर करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। सारे लोग स्वागत के लिए आ गए। ट्रेन के अंदर ये ट्रेन, मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ, ये ट्रेन संगल दन जा रही है अभी इसी वक्त। इससे पहले इंजन गया, जो कि पॉइंट्स वगैरह मैंने आपको बोला था, ब्रिज वीडियो में आपको पॉइंट्स वगैरह चेक करते हैं ब्रिज के ऊपर, जितने भी इस ट्रैक पर ब्रिज आएंगे वहाँ पर वो जो पहले पॉइंट्स वगैरह चेक करेंगे। जब ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिलेगा तो फिर ये ट्रेन जाएगी। तो 1 घंटा पहले वो इंजन चला गया है आगे, उसके बाद अभी आगे बता रहे हैं इंजन से मेरी बात हुई थी, 1.5 घंटे के बाद ट्रेन जा रही है। तो मैं ट्रेन में ही बैठ के सुमड़ से बैठ के ट्रेन, ये रही ट्रेन, ये आप देख सकते बहुत खुश चाचा। टनल 49 की ओर जा रही है, जो संगल दन के लिए जो ट्रायल होने वाला है। ये टनल 49 में पहली बार ट्रेन संगल दन की ओर, टनल 49 Oh,
का ये सपना साकार किया है। ये सिर्फ मोदी जी का नहीं बल्कि हम पहाड़ों के बीच में ट्रेन। बस स्टेशन पहुंचने वाले बहुत हो गया। लोग आप देख सकते हैं के लिए आ गए हैं। ओ भाई साहब, बोर्ड आप देख सकते हैं संगलदान। ट्रेन जाने चला गई, वो मैच करो, ट्रेन को
पहुंच गए संगलदान। देख सकते हैं लोग बहुत खुश। मैंने बोला था ना यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, 2-2.5 लाख कुछ लोग आए क्योंकि ट्रेन डिले हो गई। इसकी वजह से लोग जो दूर दूर से वो चले गए, जो नजदीक नजदीक है। बच्चा देख सकते हैं लोग % जो कटरा से बानिहाल के बीच में एक बोलते हैं ना कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होकर ट्रेन 50% से ज़्यादा ट्रैक पे चल चुकी है। कश्मीर से तीसरे स्टेशन यानी संगलदान तक भी ट्रेन पहुंच गई है, आप देख सकते हैं। बच्चे बहुत खुश। तो अब हम जा रहे हैं वापस संगलदान से सुमर की ओर। तो ये आप देख सकते हैं यह हमारा स्टेशन, अब हम यहाँ उतरेंगे। अलग से इतनी है, इतनी है। कितने लोग थे। तो ट्रेन अब वापिस जा रही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस रेलवे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है मैं आप लोगों तक उसको ज़रूर पहुंचाता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। ऐसी और आने वाली इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को बताएंगे। चैनल नंबर 9 सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। वो जो कश्मीरी लोग थे ना वो घरों से निकल कर भाई बाहर वो सिर्फ ट्रेन देख रहे थे। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था भाई साहब। और क्या देख रहे भाई, शारक के ऊपर ट्रेन चला दी मैं ये देख रहा हूँ, ये क्योंकि शारक के ऊपर मोदी जी ने ट्रेन चला दी। वो मैं देख रहा कटी तो नहीं गई है भाई, शारक जम्मू वाली नहीं है वो किस, कोई बोल देते हमारे मुसलमान भाइयों के भाई को किसी के कहने में बहुत ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं ये काम अच्छा हुआ है, बहुत दासू हुआ काम तो अच्छा हुआ है, इसकी तो तारीफ जितनी भी करो काम है। लेकिन अच्छा उस यकूब और हमारे शहर के ऊपर ट्रेन नहीं चलेगी तो वो कश्मीर के दूसरे वो भाई साहब सारा किसी को बोलते हैं कहते हैं इंडिया के पास है, ये पाकिस्तान इसको ही बोलते हैं जम्मू कश्मीर हमारे शहर है। तो ये ट्रेन कहाँ चली, हमारे शहर में ट्रेन चला के अच्छा नहीं किया भाई साहब, इसका बदलाव जरूर ले। नहीं आज देखो जी ये विजयी आगे लगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, अगर आजाद कश्मीर की तरह इधर से भी सवारियां बिठाए दिल्ली में ले जाए भाई, उधर लग जाए।
मौजे लग जाएगी भाई, उनका भी पाकिस्तान की तरफ तो कोई रिलीफ मिल नहीं रहा, कम से कम इधर कुछ मिल जाएगा। इतनी हिम्मत है तो भाई साहब हमारे गुर्दे पे जिगर पे आके ट्रेन चला रहे हमारे अच्छा कल से ना महसूस हो रहा था हम चारों का जो दम घुट रहा था, तो पता आज चला मशाला के ऊपर तो भाई साहब ट्रेन चल रही है और सारे लोग मोदी साहब ने अच्छा नहीं किया शाहरा के ऊपर ट्रेन चला दी। वैसे ट्रेन चलाना बहुत मुश्किल था, हमारी शाहरा जिस तरह की थी ना भाई, ऊपर नीचे कटाई इतनी की है, कई तरह से उन्होंने कटाई की है, कई तरह से उन्होंने वो टनल बनाए। शुक्र है खुदा का, शुक्र है भाई कश्मीरी भाइयों का, उन बेचारों को आप अभी क्या है, सुबह निकलेंगे स्टूडेंट दिल्ली जाए बम्बई या जिधर भी जाए, जाके पढ़ के शाम के आखिरी लास्ट में वापस भी आ सकते हैं, इतना भी आसान निकले शाम जा सकती है। यहाँ से बंदा सुबह 4 बजे निकलता है, एक वो वक्त था जब आप 6 महीने सर्दियों में कट ऑफ हो जाता, बिल्कुल कोई पता नहीं होता था, आर्मी नहीं जा सकती थी, अब तो आर्मी भी आई जाए आसानी से, कुछ खुल्लम खुल्ला दिक्कत बड़ी मौज लगती थी कश्मीरी भाई की, जो कश्मीरी भाई जो फादर है दूसरी स्टेट जहाँ पर भाई रोजगार मिलता है जी, तो वहाँ पर जाके काम भी कर सकते हैं, सहूलत है किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए भाई साहब कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, कारोबार को रोजगार को फरोग मिलता है इसे, और भाई साहब जितनी तेजी से पहिया हरकत कर गया उतनी तेजी से, और हमारे कश्मीरी भाई कितने दुखी लग रहे थे इनॉग्रेशन से, वो भी हमें दिखा है ना, उनकी चीखें निकल रही थी, ये दुलम थी, और खास करके ना बनाया गया या जो भी कटाई की गई है वो कई घरों के ऊपर तो गिरे ही होंगे, बेचारे घर भी इन्होंने तोड़ फोड़ कर बलोचिस्तान के अंदर, मुकम्मल बलोचिस्तान के अंदर हड़ताल है, आपको पता नहीं है 3rd दिन हो गया है महंगाई की हड़ताल हुई, दिल्ली में भी हड़ताल चल रही है, हड़ताल तो चलती है, ये महंगाई की हड़ताल है हमारे बलोचिस्तान पूरी दुनिया में, खबर है खुशी की खबर है, क्यों इसके अंदर मातम क्यों, अब ये बताती है चारक से हटकर ये नीचे अंतड़ियों की तरफ चला जा रहा है भाई साहब, ये प्रोजेक्ट जो था बहुत मुश्किल था, मुश्किल था क्योंकि इसमें अभी भी काम जारी है, ज्यादा टनल आए इस रॉ मटेरियल को ले जाना जाना बहुत मुश्किल है पहाड़ी रास्तों में, और कई पर तो भाई पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे उसको काट के टनल बनाए गए, कई जगह पे खाइयां थी वहां पे ब्रिजें बनाएगी और काफी हाइट पे बनाएगी, बड़ा वक्त भी लगा, बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, और ये है कि भाई साहब इसमें विस्टा डाउन लगेगी तो भाई साहब लोग नजारे मिलेंगे, पहाड़ी नजारे बहुत प्यारे हैं, और कश्मीरी भाइयों को भाई साहब सुख की सांस आएगी, और वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं थी, एक दिखता है ना बंदा कितने लोग बाहर निकले हुए थे 75 सालों में कोई बंदा पूछने वाला नहीं था भाई, बच्चे उस ट्रेन के अंदर घुस कर मजा ले रहे थे अंदर, ये क्या कुछ नई चीज़, सैकड़ों तो लोग जो है हजारों निकले हुए थे वो सिर्फ वीडियो बना रहे थे ट्रेन की, ऐसी बात जिन्होंने शायद जिंदगी में देखी नहीं कि उनके अपने इलाके में चल गई, अब उनको आना जाना दिल्ली में चले दिल्ली में चलते हैं जी, बहुत सारी चीजें वैसे तो भाई श्रीनगर में भी और भी शहर है जहाँ पर जो अपने अपने इलाकों में वैसा सीमित है वैसा उनको बाहर भी आना जाने में आसानी आसानी बिल्कुल भाई, और बर्फबारी बारिश चाहे जितना मर्जी खराब मौसम हो जो मर्जी है वैसा ट्रेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी आते जाते हैं, रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत बनाया गया ऊपर से वो बहुत सी सहूलतें दी गई, अच्छा टनल के अंदर देखा नहीं जगह जगह पर वो एक एक फुट फुट के फासले फुट का भी फासला नहीं 6 इंच पे वो इतनी लाइटिंग लाइटिंग ज्यादा रोशनी की वजह से ना ज्यादा हो जाएगी, और इमरजेंसी के लिए और भी रास्ते दिए गए बिल्कुल दिए गए और रास्ते भी होने चाहिए पहुँचने के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट भाई साहब, और आई विश के भाई आपकी गवर्नमेंट और भी ज्यादा इसी तरह काम करे ताकि लोगों को सहूलत मिले, खास करके भाई वो अगर पाकिस्तान यही कहते हैं ना कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो ऐसा जुल्म रोज कीजिए, लगे रहो भाई साहब ऐसा जुल्म रोज कीजिए, तो ठीक
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और अपनी राय रूप देगा कॉमर्स सेक्शन में इस टोटल प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा है जो ये बताता। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।